आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे ये बात कहने जा रहा हूं, लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। और इसी दिन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब तक मैचेस बड़े वन साइडेड हो रहे थे। जब से इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज की शुरुआत हुई थी तो सबने उम्मीद की थी कि ये जो सीरीज है वो ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि एक तरफ टीम इंडिया है जो कि वर्ल्ड चैंपियंस का टैग लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका है जो कि बदले के इरादे से आएगी, तो ये जो सीरीज है वो एक ब्लॉकबस्टर सीरीज होगी। पर अब तक ऐसा हो नहीं रहा था, चाहे वो पहला मैच हो चाहे वो दूसरा मैच हो, अब तक बड़े वन साइडेड मैच हो रहे थे। लेकिन सारी की सारी कहानी बदली तीसरे मैच में आकर, क्योंकि सच में जो तीसरा मैच था वो एक ब्लॉकबस्टर मैच था। क्या धमाकेदार मैच हुआ है, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस मैच को मिस कर दिया तो आपने सारा फन मिस कर दिया, क्योंकि इस मैच में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए जो कि बड़े दिनों से नहीं आए थे। बड़े दिनों से ऐसा मैच नहीं देखा था, लेकिन अब जाकर एक ऐसा मैच हुआ है जो कि वर्ल्ड कप फाइनल लेवल का मैच था। चलिए एक एक करके बात करते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं। और सबसे बड़ी कहानी यह थी कि टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को तीसरे मैच में हराया, और अब सूर्य कुमार यादव की टीम के पास 2-1 की बढ़त हो चुकी है, यानी टीम इंडिया अब इस सीरीज को हार नहीं सकती। चार मैच की सीरीज है जिसमें टीम इंडिया के पास 2-1 की बढ़त है, और मैक्सिमम अब यह सीरीज ड्रॉ हो सकती है। खैर, इंडिया की भी बात करें तो 2024 में कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। इस पूरे साल अगर इंडिया का T20 में परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ दो मैच हैं जहां पर टीम इंडिया हारी है, बाकी टीम इंडिया एकदम वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेल रही है। पूरे साल में चाहे वो वर्ल्ड कप की बात करें, फिर उसके बाद बायलैटरल्स की बात करें, सिर्फ टीम इंडिया जीती है। सिर्फ दो हारे हैं जो कि टीम इंडिया इस साल हारी है। अब बात करते हैं इस मैच, एक एक करके बात करते हैं, सारे पहलुओं की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैच का स्कोर कार्ड यह कहता है कि टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 219 बोर्ड पे लगाए, 219 रन बोर्ड पे लगाए, जिसमें एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा जो टीम इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक सेंचुरी लगाई बाहर जाकर, यानी कि एक ओवरसीज सेंचुरी। इसके अलावा ओवरऑल बात करें तो यशस्वी जायसवाल के बाद तिलक वर्मा दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने यंगेस्ट एक सेंचुरी लगाई। तो टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और 219 रन बोर्ड पे लगाए, जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ी लड़ाई की, चाहे वो मार्को एंसन हो, चाहे वो एडन माक्रम हो, एनरिक क्लासन हो, सबने लड़ाई की, लेकिन आखिरी में सिर्फ 11 रन से दूर रह गए। साउथ अफ्रीका की टीम अपने 20 ओवर में सिर्फ 208 बना पाई, 7 विकेट के नुकसान पे और 11 रन से मैच हारे। अब सबसे पहले बात करते हैं अर्शदीप सिंह की, वो खिलाड़ी जिसने आखिरी मोमेंट्स में जाकर टीम इंडिया को यह मैच जिता दिया। आखिरी ओवर तक मैच पहुंच गया था, कहीं भी जा सकता था, अर्शदीप सिंह ने अपने नर्व्स को हेल्ड किया और टीम इंडिया को आखिरी ओवर में जाकर इस मैच को जिताया। और इसी के साथ अर्शदीप सिंह टीम इंडिया क्रिकेट हिस्ट्री के, यानी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन चुके हैं। यानी टीम इंडिया के लिए अगर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें तो वैसे तो वो चहल के पास हैं, लेकिन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम अर्शदीप सिंह का आ चुका है। और इसी के साथ अगर T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट पेसर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह का नाम अब टॉप पे आ चुका है। इंडिया के लिए अगर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो वह अर्शदीप सिंह के पास है 92 विकेट्स। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में ये जो रिकॉर्ड है वो कपिल देव के नाम है जिनके पास 434 विकेट थे। ओडीआई क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए जवगल श्रीनाथ ने, 315 विकेट। और अब इसी लिस्ट में अर्शदीप सिंह का नाम आ गया है जिन्होंने T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट ले लिए 92। इस लिस्ट में उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा और जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा। ये अर्शदीप की बात हो गई। अब बात करते हैं मार्को एंसन की, क्योंकि मैच के आखिरी ओवर में अगर रोमांच बना हुआ था, या कहें कि आखिरी कुछ ओवर में रोमांच बना हुआ था, तो मार्को एंसन की वजह से। मानो तैयारी करके आए थे कि आईपीएल ऑक्शन आने वाली है, जरा ऑडिशन दे देते हैं, क्योंकि जहां लगा था कि साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच हार चुकी है, लगभग वन साइडेड मैच हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मार्को एंसन आते हैं और सिर्फ 16 बॉल पे अपनी 50 पूरी कर देते हैं। और साउथ अफ्रीका क्रिकेट हिस्ट्री की, यानी T20 क्रिकेट में ये सेकेंड फास्टेस्ट 50 थी। सोचिए क्या लेवल की हिटिंग की। चाहे रवि बिश्नोई आ जाए, चाहे अर्शदीप आ जाए, चाहे हार्दिक पांडे आ जाए, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। क्या छक्के मारे हैं यार खिलाड़ी ने। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने अगर ये मैच मिस कर दिया तो बहुत सारा फन मिस कर दिया। और इसी के साथ अब मार्को एंसन की ये जो 50 थी वो इंडिया के अगेंस्ट T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 थी। सिर्फ 16 बॉल पे मार्को एंसन ने अपनी 50 पूरी की, जो साउथ अफ्रीका के लिए सेकंड फास्टेस्ट और इंडिया के लिए फास्टेस्ट 50 थी, मतलब इंडिया के अगेंस्ट। भाई क्या बैटिंग की है साउथ अफ्रीका ने, चाहे मार्को एंसन हो जिन्होंने 17 बॉल पे 54 रन बनाए 300 के स्ट्राइक रेट से, एनरिक क्लासन की बात कर लें जिन्होंने 22 बॉल पे 41 रन बनाए 186 के स्ट्राइक रेट से, या फिर एडन माक्रम की बात करें जिन्होंने 18 बॉल पे 29 रन बनाए 161 के स्ट्राइक रेट से। और आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि भले टीम इंडिया ने मैच जीता, पर साउथ अफ्रीका ने भी बढ़िया लड़ाई की, मतलब आखिरी ओवर तक लड़ाई की और ये इंश्योर किया कि वर्ल्ड कप का फाइनल का बदला नहीं ले पाए, लेकिन
एंड तक पहुंच गए, चाहे वो एंड्रिक लासन के 3 छक्के हों जो वरुण चक्रवर्ती को लगाए या मार्को यानसन की फास्टेस्ट 50 हो। क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। और इसके बाद अब बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की। हाँ, मतलब भले ही थोड़े से महंगे थे, वो क्लासन आ गए, 3 छक्के एक ही ओवर में लगा दिए और पूरा स्पेल खराब कर दिया, लेकिन आपको समझना होगा कि वरुण चक्रवर्ती ने इस पूरी सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की। और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड भी वरुण के पास है, इस पूरी सीरीज में यानी कि 3 मैचेस में वरुण चक्रवर्ती को अपने पहले ओवर में विकेट मिला है। तीनों मैचेस में उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है और पहले ही ओवर में विकेट चटका देते हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ। और इसी के साथ अब वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के लिए एक बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए। वरुण चक्रवर्ती जो कि अब तक इस सीरीज में 10 विकेट ले चुके हैं, वो अब टॉप पर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था रविचंद्रन अश्विन के पास, जिन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 2016 में 9 विकेट चटकाए थे। रवि बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 में भी 9 विकेट चटकाए थे, पर वरुण चक्रवर्ती इस पूरी सीरीज में 10 विकेट चटका चुके हैं और इसी के साथ वो इंडिया के लिए एक बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। अब उनके स्पेल पे नजर डाल लें तो जब से उन्होंने कमबैक किया है क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके स्पेल्स की बात करें तो 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट, 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट, 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट, 4 ओवर में 17 रन देकर 5 विकेट और अब 4 ओवर में 54 रन देकर 5। जैसा कि मैंने कहा, थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का इस पूरी सीरीज में जो इंपैक्ट रहा है वो अनमैचेबल रहा। इसके अलावा अगर इंडिया की बैटिंग की बात कर लें तो 219 लगाए, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा आते हैं, 56 बॉल पे 107 बनाते हैं और क्या कमाल की पारी खेलते हैं। और जो बाकी के प्लेयर्स थे वो भी उतने ज्यादा रन नहीं बना पाए, मतलब जितना तिलक वर्मा का स्कोर था और बाकी के प्लेयर्स का कंबाइंड स्कोर था, तिलक वर्मा का ज्यादा है। तिलक वर्मा ने अकेले 100 रन बना दिए, बाकी के सारे प्लेयर्स 64 बॉल में सिर्फ 93 बना पाए, और जो एक्स्ट्रास का स्कोर था वो 19 था। मतलब तिलक वर्मा का सच में कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया को एक फ्यूचर सुपरस्टार मिल चुका। तब बैटिंग करने आए थे जब संजू सैमसन का विकेट पहले ही ओवर में गिर गया था, और वहां से आकर क्या कमाल की पारी खेली। 56 बॉल पे 107 रन बनाए, 8 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए और साउथ अफ्रीका के सारे बोलर्स को रिमांड दिए, और पूरा सोशल मीडिया कह रहा है कि टीम इंडिया को फ्यूचर मिल चुका। यशस्वी जायसवाल के बाद तिलक वर्मा इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बने। फास्टेस्ट सेंचुरी सिर्फ जायसवाल ने वो काम किया है, उसके बाद तिलक वर्मा ने। यशस्वी जायसवाल ने ये जो सेंचुरी लगाई थी वो 21 साल और 279 डेज की उम्र में लगाई थी। तिलक वर्मा ने 22 साल और 5 दिन की उम्र में लगाई, और शुभमन गिल ने 23 साल और 146 दिन में की उम्र में ये काम किया। ऐसे में तिलक वर्मा टीम इंडिया के सेकेंड यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में एक सेंचुरी लगाई। इसके अलावा अगर ओवरसीज सेंचुरीज की बात करें तो तिलक वर्मा की ये सेंचुरी फास्टेस्ट सेंचुरी। अब ऐसे में आप बताइए, आपको नहीं लगा कि ये मैच एक ब्लॉकबस्टर था, वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाली जो थी इमेज, जो इंतजार कर रहे थे फैंस की, यार T20 वर्ल्ड कप की राइवलरी देखनी है, इस बार देखने को मिल गई। आपको वैसा लगा मैच मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।